देश संविधान से चलता है, देश बिहार से नहीं चलता है। हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में थे पहले भी, हम लोगों ने प्रस्ताव हम ही ने लाया था, भाजपा ने लाया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जातीय गणना हुआ था और इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। देखिए, रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप सभी लोग जानते हैं, पर बीजेपी के लोग भी इसको लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, हमने बात किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से। देखिए, अश्विनी चौबे ने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम लोग ही प्रस्ताव लाए थे, क्या कुछ करें अश्विनी चौबे, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सर, एक लाइन सर, क्या चीज गणना आज प्रकाशित की गई है जिसको लेकर के काफी उत्साहित है महागठबंधन? भाई ठीक है, जाति जनगणना तो हम लोग चाहते ही थे, लेकिन इनकी मंशा ठीक रहे। जाति जनगणना के बाद उन तमाम उपेक्षित जो अति पिछड़े पिछड़े लोग हैं उनको ये लाभ देंगे ना, तब ना हम देखेंगे कहाँ जाति जनगणना का। हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में थे पहले भी, हम लोगों ने प्रस्ताव हम ही ने लाया था, भाजपा ने लाया था। पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं? नहीं, देश संविधान से चलता है, देश बिहार से नहीं चलता है। राहुल गांधी, तभी आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सभी लोग जाने हैं। पर देखिए, अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, हालांकि एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी समर्थन में थे, पर जो महागठबंधन के लोग हैं उनका कहना था कि भाजपा के लोग ही ये जाति आधारित जो गणना हो रहा है इसको रुकवाना चाहते हैं। कोर्ट में पटिशन दायर के कितने झमेले हुए आप सभी लोग जानते हैं, पर अश्विनी चौबे ने आज दावा कर दिया कि हम ही लोग जो प्रस्ताव है वो लाए थे। देखिए, अश्विनी चौबे उतना ही नहीं, जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गई इसके बाद भी उनका कहना है कि जो रिपोर्ट आए जो प्रकाशित हुआ उसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा की जो बात करते हैं उनको कितना लाभ मिलता है ये बात। देखिए, एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तमाम लोगों को जो योजना है जो सरकार की योजना है वो उन तक पहुंचेगी, तमाम लोगों को योजना में भागीदारी मिलेगा, पर अश्विनी चौबे ने सवाल खड़ा कर दिए हैं कि जो रिपोर्ट प्रकाशित किए गए जो रिपोर्ट जारी किए गए जिसमें अति पिछड़े और पिछड़े के लोग हैं उन तक क्या कुछ योजना के लाभ, उनको क्या कुछ सुविधाएँ मिलती हैं, उसकी भी सवाल खड़े कर। उतना ही नहीं, अश्विनी चौबे ने साफ शब्दों में कहा है कि जैसे एनडीए के लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं, पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि देश में भी इसको करवाना चाहिए। इस पे अश्विनी चौबे ने अपनी बातों को रखा है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देश बिहार से नहीं चलता है बल्कि संविधान से चलता है। क्या कुछ कर रहे थे अश्विनी चौबे वो आपने सुना, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।